Hello and welcome back. I am Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक इंसान की आंख में चश्मे का नंबर क्यों आता है, क्यों ऐसा होता है कि किसी इंसान की आंख में नंबर आ जाता है और किसी की आंख में कोई नंबर नहीं आता, क्या कोई तरीका है कि ये नंबर ना आए, या अगर नंबर आ गया है तो ये बढ़े ना, और अगर आपकी आंखों में चश्मे का नंबर आ गया है तो क्या पूरी लाइफ अब आपको चश्मा पहनना है, क्या कोई तरीका है कि ये नंबर हट सकता है और अपने चश्मे से आप आज़ादी पा सकते हैं, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आंख में चश्मे का नंबर क्यों आता है और जब ये नंबर आता है तो आंखों में क्या चेंजेस होते हैं। देखिए, क्या होता है कि नेचर ने हमारी आंख का एक सिस्टम बनाया है। क्या सिस्टम बनाया है कि बाहर से लाइट आएगी, पुतली और लेंस से होते हुए ये लाइट पर्दे पर फोकस होती है और यहाँ से ये लाइट इस नस के थ्रू, जिसको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं, हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती है और हम देख पाते हैं। जब किसी की आंख में चश्मे का नंबर आता है तो उस इंसान की आंख पीछे से साइज में बड़ी हो जाती है, आगे से नहीं होती। तो दिखने में तो इंसान बिल्कुल नॉर्मल लगता है लेकिन पीछे से आंख ये लंबी हो गई। अब किसी का नंबर एक है तो कम लंबी हुई, किसी का नंबर पांच है और लंबी हो गई, किसी का नंबर दस है और लंबी हो गई, किसी का नंबर 25-30 है और बड़ी हो गई। तो जितनी ये आंख लंबी होती जाएगी उतना ज्यादा आपके चश्मे का नंबर आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों किसी इंसान की आंख लंबी हो जाती है और किसी की आंख लंबी नहीं होती, क्यों किसी इंसान की आंख में चश्मा होता है और किसी की में बिल्कुल नहीं आता। तो इसके कई सारे कारण होते हैं, वही कारण मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहला कारण चश्मे के नंबर के आने का होता है जेनेटिक्स, कि अगर आपके माता पिता या आपके पेरेंट्स की आंखों में चश्मे का नंबर है, अगर दोनों की आंख में नंबर है तो ज़्यादा चांस है कि बच्चों की आंख में भी नंबर आएगा। अगर एक ही इंसान की आंख में नंबर है, सिर्फ पेरेंट्स में जैसे फादर का ही नंबर है या मदर का ही नंबर है, तो चांसेस कम है कि आपकी आंख में चश्मे के नंबर आए। बेसिकली हमें ये समझना है कि जैसे अगर दोनों पेरेंट्स की हाइट लंबी हो, मान लीजिए दोनों पेरेंट्स 6-6 फुट के हैं, तो हम लोग देखते हैं कि बच्चे भी 6 फुट के हो जाते हैं। ऐसे ही अगर दोनों पेरेंट्स की आंखों में चश्मे का नंबर है तो बहुत हाई चांस है कि आपकी आंखों में भी चश्मे का नंबर आएगा और आप इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। अगर आपकी जीन्स में ही कोडिंग इस तरह की हुई है कि चश्मा आना है तो आना है, वो आपके हाथ में ज़्यादा नहीं होता। लेकिन इस समय हम इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि अगर हमें ऑलरेडी पता है कि बच्चों की आंख में चश्मे का नंबर आएगा क्योंकि उनके पेरेंट्स की आंख में चश्मे का नंबर है, तो बच्चों को बचपन से ही आंखों के प्रॉपर टेस्ट करवा के सही चश्मे का नंबर पहनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर डेवलपिंग एज में, मान लीजिए बच्चा जब 9 साल से कम की उम्र में है और उसकी आंखों में चश्मे का नंबर है और आपने नंबर चेक करा के चश्मा नहीं पहनाया, तो ऐसा भी हो सकता है कि आंख पूरी तरह से डेवलप ना हो और बच्चा कभी भी 100% ना देख पाए, या बच्चे की आंख में कंटिन्यूसली सिर दर्द, आंखों में दर्द बनता रहेगा और अगर सही चश्मा टाइम से नहीं मिलेगा तो ये चश्मे का नंबर जल्दी जल्दी बढ़ता भी है। तो अगर, दोबारा बता रहा हूँ, पेरेंट्स की आंखों में चश्मे का नंबर है तो अपने बच्चों को टाइमली एक आंखों के डॉक्टर से चेक कराइए। जब आप चश्मे का नंबर निकाल रहे हैं अपने बच्चों का, तो इंश्योर करिए कि आंखों को डायलेट करके चेक करा हो, सही नंबर का चश्मा बनवाइए और हर 6 महीने में अपने बच्चों को चेक कराना है, जैसे ही चेंज हो नया चश्मे का नंबर दिलाना है। और ये स्पेशली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर आपके बच्चे की उम्र 9 साल से कम है, क्योंकि अगर 9 साल से कम की उम्र में सही चश्मे का नंबर नहीं मिला तो आंखों में एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम, जिसको हम अंबला आईओपिया या लेजी आई कहते हैं, जहाँ पे आंख पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाती और बच्चा कभी भी 100% नहीं देख पाएगा। तो ये बहुत सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है कि जेनेटिक्स का रोल बहुत ज़्यादा हाई है। नेक्स्ट फैक्टर होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कि हमारे आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से चश्मे का नंबर आ सकता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है नियर वर्क, नज़दीक का काम। तो जब बच्चे डेवलपिंग एज में हैं,
जब उनकी उम्र 18 साल से कम है और कंटिन्यूअस नियर का काम चल रहा है, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, अपने आईपैड्स पे कंटिन्यूअस बच्चे नियर पे लगे हुए हैं, नॉवल पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, तो इस तरह की सिचुएशन में दो चेंजेस की वजह से आंखों में चश्मे का नंबर आ जाता है। सबसे पहला चेंज हम देखते हैं कि जब एक इंसान नियर की तरफ देख रहा है, देखिए हुआ क्या है कि नेचर ने हमारी आंखों को दूर का देखने के लिए बनाया है, दूर की एक्टिविटीज़ के लिए नेचर ने आंखों को बनाया है, लेकिन अब जब मोबाइल कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो हम अपनी आंखों को फोर्स करते हैं ज़्यादातर नियर के देखने के लिए। तो जब हम ज़्यादा समय तक नियर का काम करते हैं तो हमारे माइंड को इस तरह के इंडिकेशंस मिलती हैं कि नियर का काम ज़रूरी है और दूर का काम इतना ज़रूरी नहीं है। इस तरह से बॉडी अपने आप को चेंज करती है कि आंखों की लेंथ बढ़ जाती है और आंख में चश्मे का नंबर आ जाता है। तो एक्सेसिव नियर वर्क स्पेशली डेवलपिंग एज में एक बहुत बड़ा कारण है कि आंख में चश्मे का नंबर चढ़ जाए। तो इसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि बहुत अपने बच्चों को लिमिट करिए कितने टाइम तक वो नज़दीक का काम करते हैं, उनको बड़ी स्क्रीन्स दीजिए, बड़े बड़े मॉनिटर्स दीजिए जिससे वो दूर रख के अपनी पढ़ाई कर सके, अपने कंप्यूटर के काम कर सके, और इंश्योर करिए कि वो बाहर जाएं, थोड़ा सा आउटडोर एक्टिविटीज़ करें, नियर वर्क में उनको ब्रेक मिले। एक और इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है कि हम लोग ऐसा भी देखते हैं कि अगर बॉडी को प्रॉपर सनलाइट का या धूप का एक्सपोजर नहीं मिलता तब भी इंसान की आंख में चश्मे का नंबर आ सकता है। तो ये भी बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी, इसमें पता लगा कि सनलाइट का भी बहुत बड़ा रोल है। तो इसमें ये रिकमेंडेशन निकली थी कि जब बच्चे 18 साल से कम की उम्र में हैं तो उनको कम से कम 2 घंटे सनलाइट का एक्सपोजर मिलना चाहिए जिससे चश्मे का नंबर नहीं आता, या अगर आ रहा होता है तो वो धीरे हो जाता है, रुक जाता है। एक और चीज़ हम देखते हैं कि अगर किसी इंसान की नींद पूरी नहीं होती, स्पेशली अगेन ये सारी बातें मेनली उन लोगों को अप्लाई होती है जो डेवलपिंग एज में है, 18-20 साल की उम्र जिनकी अभी नहीं हुई है, छोटे हैं, अगर वो प्रॉपरली अपनी नींद नहीं ले पा रहे, 8 से 9 घंटे की नींद उनको नहीं मिल रही, तो भी हम देखते हैं कि बच्चों की आंख में चश्मे का नंबर चढ़ सकता है। नेक्स्ट जो एक बहुत बड़ा रीज़न हम लोग देखते हैं उसको हम लोग कहते हैं पेरिफेरल रेटिनल ब्लर। अब ये क्या चीज़ है? देखिए जब आपकी आंख में चश्मे का नंबर चढ़ रहा होता है तो ऐसा नहीं होता कि एकदम से आंख में 5 नंबर आ गया या एकदम से आंख में 7 नंबर आ गया, ये धीरे धीरे शुरू होता है। पहले 1/4 आता है, फिर आधा आता है, फिर 1 होता है, फिर 1.5 होता है, फिर 2.5 होता है, फिर 3 होता है, धीरे 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 करके चश्मे का नंबर बढ़ता है। तो इसमें हम लोग ऐसा देखते हैं कि अगर आपका चश्मे का नंबर बढ़ गया है और आप ठीक चश्मे का नंबर नहीं पहन रहे, मान लीजिए आपके 2 का नंबर है और अब वो बढ़ के 2.5 हो गया है लेकिन अभी भी आप 2 का चश्मा ही पहने जा रहे हैं, तो इस वजह से जो आंख में लाइट फोकस होती है वो एक फिनोमेना क्रिएट करती है जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल रेटिनल ब्लर, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि चश्मे का नंबर जल्दी जल्दी बढ़ता है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी आँख में चश्मे का नंबर है और आप अभी ग्रोइंग स्टेज में हैं, 18-20 साल आपने नहीं अटेन करा, तो हर 6 महीने में अपने चश्मे का नंबर चेक कराएं और अगर आधे नंबर का भी चेंज है तो नया चश्मा बनवाइए इमीडिएटली ताकि ये नंबर जल्दी जल्दी आगे ना बढ़े। और जब भी आप अपना चश्मा बनवाएं तो ध्यान रखिए चेकिंग आपकी डायलेटेड चेकिंग होनी चाहिए, ये नहीं कि बस गए चश्मे का नंबर मशीन से बटन दबाया थोड़ा चेक कर लिया दे लिया, प्रॉपरली आंखों को डायलेट करके नंबर निकलना चाहिए, उसके अगले दिन एक PMT का टेस्ट होना चाहिए और फिर वो आपको नंबर पहनना चाहिए। और ये एक्टिविटी हर 6 महीने में रिपीट होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका नंबर कम से कम बढ़े या अपना आपका नंबर स्थिर हो जाए। तो अगेन इसको सम अप करते हुए, चश्मे का नंबर कई सारे कारणों की वजह से आ सकता है। उसमें पहला कारण होता है जेनेटिक्स, कि अगर पेरेंट की आंखों में चश्मे का नंबर हो तो बच्चों की आंख में आ सकता है। प्रॉपर धूप का एक्सपोजर नहीं मिला, आंखों को दूर का देखने को नहीं मिल रहा, बहुत ज़्यादा नज़दीक का काम चल रहा है, मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप या नॉवल पढ़ते रहते हैं बच्चे, प्रॉपर नींद पूरी नहीं हो रही, या अगर आपके चश्मे का नंबर आ रहा है उसको आपने प्रॉपरली चेक नहीं कराया, गलत चश्मे का नंबर पहन रहे हैं, इन सब कारणों की वजह से नंबर आ सकता है और नंबर जल्दी जल्दी बढ़ सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपकी आंखों में चश्मे का नंबर आ गया है तो क्या कोई तरीका है कि ये नंबर और आगे ना बढ़े,
या अगर बढ़ना है तो कम बढ़े, या कोई तरीका है कि इसको हम स्थिर कर दें, रोक के रख दें इस नंबर को? वेल, इसके ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, कई सारी रिसर्चेज आई हैं, कई सारी स्टडीज़ आई हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत कारगर तरीका कोई नहीं है कि हम नंबर को आने से रोक पाए, या अगर नंबर आ गया है तो उसको बढ़ने से हम किसी तरह रोक दें। लेकिन ऑफकोर्स कुछ रिसर्चेज में सामने आया है, एक ड्रॉप होती है जिसको हम कहते हैं एट्रोपीन ड्रॉप, उसका डाइल्यूटेड फॉर्म आजकल मार्केट में अवेलेबल है जो माय एट्रो या एट्रोपीड के नाम से आता है। हम देखते हैं इस ड्रॉप की वजह से चश्मे का नंबर बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ता, कुछ हद तक स्लो हो जाता है। या कुछ स्पेशल तरह के चश्मे होते हैं जिसको प्रोग्रेसिव या बाईफोकल ग्लासेस कहते हैं, उससे हम देखते हैं कि कुछ हद तक नंबर को हम स्लो कर सकते हैं। या एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको हम ऑर्थोकेराटोलॉजी कहते हैं, जहाँ पे हार्ड लेंसेज आंखों में लगाते हैं, ओवरनाइट लगाने होते हैं, उससे हम देखते हैं कि कुछ हद तक बेनिफिट मिल सकता है। या आजकल सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज भी आ गए हैं मायोपिया को कंट्रोल करने के लिए, चश्मे के नंबर को बढ़ने से रोकने के लिए। आजकल कूपर विजन नाम की कंपनी है, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है। लेकिन अभी भी हम ये देख रहे हैं कि इतने सारे तरीकों के बावजूद भी हमारे हाथ में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जिसका चश्मे का नंबर आना है उसका आना ही है। हाँ, कुछ तरीके से आप जो मैंने बताया कि धूप का एक्सपोजर हो गया, नींद पूरी हो गई, नियर वर्क थोड़ा सा कम करा, प्लस जब आप हॉस्पिटल आते हैं तो हम ये माय एट्रो ड्रॉप्स या विजन एक्सरसाइजेज, इन सब का एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि हम कोशिश करें कि आपको जितना बेनिफिट दे सकें दे। लेकिन अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि ये जो भी टेक्निक्स आई हैं ये बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है। बट ऑफकोर्स ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, किसी को थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सकता है, किसी को शायद बेनिफिट ना मिले, तो एक बारी ट्राई करके देख लेते हैं, इसमें ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मेन क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आपकी आंखों में चश्मा आ गया है तो अब क्या आपको पूरी लाइफ इस चश्मे को पहनना है? क्या कोई तरीका है कि इस चश्मे के नंबर से निजात मिल सकता है हमें? वेल, बिल्कुल। आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं कि 18 साल के ऊपर हम आपके चश्मे का नंबर बिल्कुल परफेक्टली हटा सकते हैं। तो वेल, इसके ऊपर तो मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप ऑलरेडी देखते रहते हैं। हम हमेशा डिस्कस करते हैं चश्मा हटाने के 4-5 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है लेज़र वाला तरीका, जिसमें लेसिक लेज़र, स्माइल लेज़र, कंट्यूरा नाम का लेज़र अवेलेबल है, जिससे हम 8 नंबर तक का चश्मा बहुत आराम से हटा सकते हैं। फिर एक ICL नाम की टेक्नोलॉजी है जिससे हम 30 नंबर तक का चश्मा हटा सकते हैं। फिर एक RLE करके टेक्नोलॉजी है, फिर एक इंटैक्स करके टेक्नोलॉजी है। अलग अलग टेक्नोलॉजीज आजकल अवेलेबल है चश्मा हटाने के लिए। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर लिंक आ रहा है, उसको क्लिक करके आप वो वीडियो देख भी सकते हैं। सो अगेन, इस वीडियो को सम अप करते हुए हमें ये समझना है कि चश्मा का नंबर आना आजकल एक बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है। इनफैक्ट एक बहुत बड़ी रिसर्च में ऐसा पता चला है कि 2050 तक 50% बच्चों की आंख में चश्मे का नंबर चढ़ जाएगा और 100% एडल्ट्स की आंख में चश्मे का नंबर आ जाएगा। कई सारे रीजंस हैं जिससे चश्मे का नंबर आ सकता है, जैसे मैंने आपसे डिस्कस करा, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, आप सही चश्मे का नंबर नहीं पहन रहे, उससे एक पेरिफेरल रेटिनल ब्लर हो सकता है, उससे चश्मे का नंबर चढ़ सकता है। कई तरह की इंसान रिसर्च कर रहा है, स्टडीज़ कर रहा है कि किसी तरह से ये चश्मे के नंबर को ना आने दिया जाए, या अगर आ गया है तो इसको रोक लिया जाए या कम से कम बढ़ने दिया जाए। और ऑफ कोर्स चश्मा हटाने की टेक्नोलॉजीज तो आजकल बहुत एडवांस हो ही गई है, हर तरह के चश्मे का नंबर हम ऑलमोस्ट आज की डेट में हटा सकते हैं, उसमें ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो अगेन, इससे रिलेटेड आपके मन में और कोई भी डाउट्स हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तब तक ले, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक सून।